हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवानी और मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ अपने किचन गार्डन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जिस वेजिटेबल के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो बहुत ही इजी टू ग्रो है। इस वेजिटेबल का नाम सबसे पहले मेरे माइंड में इसलिए आता है क्योंकि मैंने इसके बहुत सारे प्लांट्स ग्रो किए हैं। मैंने सीड्स लगाए थे, मुझे लगा था शायद कोई जर्मिनेट होगा, कोई जर्मिनेट नहीं भी होगा, लेकिन यकीन मानिए मेरे ऑलमोस्ट सारे ही सीड्स जर्मिनेट हो गए और बहुत जल्दी मैं उन्हें ट्रांसप्लांट करके और विद इन यू नो फ्यू डेज उससे फ्रूटिंग पा पाई। मैं बात कर रही हूँ टमाटो की। टमाटो का प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसको उगाना बच्चों का खेल है। मेरा नेफ्यू टमाटो को हाफ कट करता है, मिट्टी में दबाता है और टमाटो प्लांट्स उगा लेता है। वो सीड्स भी नहीं खरीदता है, इतना टैलेंटेड है। बट मैंने सीड्स लिए हैं, मैंने सीड्स से अपने प्लांट्स को ग्रो किया है और उन प्लांट्स से मैंने 50 टू 80 डेज के गैप में हार्वेस्टिंग भी ली है। टमाटो के प्लांट्स को सीड से ग्रो करने का जो बेस्ट टाइम है ना वो जुलाई होता है। देखिए, कोई भी सीड्स ना ग्रो होने के लिए मॉइस्चर मांगते हैं। अभी तो जून है, जून में आप कोई भी वेजिटेबल उगाएंगे तो वो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको थोड़ा सा टेम्परेचर कम होने का वेट करना है। 25 डिग्री से लेकर 30 डिग्री का टेम्परेचर ऐसे होता है जिसमें आप कोई भी सीड्स उगाएंगे तो वो इजीली ग्रो हो जाएंगे। मोस्टली सीड्स को ग्रो होने के लिए मॉइस्चर चाहिए होता है और रेनी सीजन एक ऐसा टाइम है जब आपके सीड्स को बहुत सारा मॉइस्चर मिलता है। आपके सीड्स के आपके प्लांट भी उस टाइम डबल स्पीड से बढ़ते हैं। आप अपने टोमेटो सीड्स को ना जुलाई में सो कीजिए और विद इन वन मंथ वो ट्रांसप्लांट के लिए तैयार हो जाएंगे। आप उन्हें एक बिगर साइज पॉट में ट्रांसप्लांट कीजिए। बिगर साइज से मेरा मतलब है आप 10 इंच 12 इंच का पॉट लेंगे ना सफिशियंट है। देखिए, आप 8 इंच के पॉट में भी उनको ग्रो कर सकते हैं, लेकिन जितना बड़ा पॉट होगा उतना ज़्यादा वेजिटेबल्स, उतने ज़्यादा टोमेटोज उस पर आने की उम्मीद है। दूसरे जिस वेजिटेबल के बारे में हम आज बात करने वाले हैं वो है ब्रिंजल। ब्रिंजल, बैंगन, बैंगन के सीड्स को भी आप जुलाई में सो कीजिए, विद इन वन मंथ वो भी ट्रांसप्लांट के लिए तैयार हो जाएंगे। और फिर उसके बाद आपको उसे एक बड़े पॉट में, देखिए बड़े से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप उसे जरूरी है 24 इंच के या पूरी क्यारी में लगाइए, बट कम से कम जो पॉट का साइज़ है वो 12 इंच होना चाहिए। जितना बड़ा पॉट होगा उतने ज़्यादा फ्रूटिंग, उतने ज़्यादा वेजिटेबल्स आपको मिलने वाले हैं। बैंगन का प्लांट बहुत ही जल्दी कीड़ों के अटैक में आता है, उस पर बहुत जल्दी इंसेक्ट्स का अटैक होता है। मैंने अपने बैंगन के प्लांट को इंसेक्ट से बचाने के लिए बहुत मेहनत की है, उस पर लगातार नीम ऑयल का स्प्रे किया है। मैं रोज़ शाम को पानी के तेज स्प्रे से उस पर से कीड़ों को हटाती थी। तो और अभी तक मेरे पास अभी भी बैंगन के प्लांट हैं जो मैंने लास्ट सीजन में ग्रो किए थे और उनमें अभी भी बैंगन आ रहे हैं, छोटे छोटे हैं, कुछ तोड़ के मैंने खा लिए हैं। चलिए आगे बात करते हैं अपने तीसरे वेजिटेबल के बारे में। तीसरी वेजिटेबल जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ वो है लेडी फिंगर। देखिए, वैसे तो भिंडी, लेडी फिंगर, ओकरा एक समर प्लांट है, तेज़ गर्मी में ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है, बहुत फास्ट ग्रो करता है। ओकरा का प्लांट है, इसको सनलाइट बहुत पसंद है, इसको 6 से 8 घंटे की धूप चाहिए ही चाहिए। लेडी फिंगर की जो हार्वेस्टिंग है वो 45 टू 50 डेज में कर सकते हैं। नेक्स्ट जिस प्लांट के बारे में मैं बात करने वाली हूँ ना वो है तीखी तीखी तेज तेज हरी मिर्च। मुझे हरी मिर्च बहुत पसंद है, खाने के साथ हरी मिर्च खाइए, आपके खाने का स्वाद डबल हो जाता है। मैं और मेरा भाई जब तक खाने के साथ हरी मिर्च ना हो ना तो खाने को अधूरा ही मानते हैं। देखिए, हरी मिर्च का क्या काम होता है, वो आपके खाने का टेस्ट बढ़ाता है, लेकिन यही हरी मिर्च बहुत ईजी टू मेंटेन है। इस प्लांट के कोई नखरे नहीं है, इसे आप अच्छे से सीड से ग्रो कीजिए, थोड़े टाइम में आपकी सैपलिंग्स ट्रांसप्लांट के लिए तैयार हो जाएगी और बस कुछ मंथ टू मंथ के गैप में आपकी चिलीज हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगी। हरी मिर्च की बात करिए ना तो अगला वेजिटेबल गैस करना बहुत मुश्किल नहीं है, कैप्सिकम या शिमला मिर्च। इस प्लांट को ग्रो करना सबसे ईजी है। टमाटो के बाद अगर मुझे कोई प्लांट बहुत ईजी टू ग्रो लगा है, मैं कहती हूँ टमाटो से पहले ही अगर बहुत ईजी टू ग्रो लगा है तो वो है शिमला मिर्च का प्लांट। अभी तक मेरे गार्डन में ये प्लांट्स बने हुए हैं और अभी तक ये प्लांट्स फ्रूटिंग कर रहे हैं, अभी तक इन प्लांट्स पे शिमला मिर्च उग रही हैं। नेक्स्ट जिस प्लांट के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर के प्लांट जब ग्रो करते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं, ऐसा लगता है एक बड़ा सा फ्लावर खिल रहा है और उसका ग्रीन के अंदर जो वो वाइट वाइट कलर के फ्लावर्स उग के आते हैं ना, वाइट कलर के कॉलीफ्लावर उग के आते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। मैंने अपने गार्डन में कॉलीफ्लावर्स के प्लांट्स को ग्रो किया है और उनको हार्वेस्टिंग के बाद सब्जी बना के एंजॉय भी किया है। कॉलीफ्लावर के प्लांट्स जो होते हैं ना उनको बहुत ठंडा एटमॉस्फेयर पसंद नहीं है, ऐसा जो वो बहुत कड़ाके वाली ठंडी होती है ना उसमें ये प्लांट ज़्यादा अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनको एक मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए।
आप उन्हें अब से उगाइए और बहुत ठंड आने से पहले पहले आप उन्हें हार्वेस्ट कर लेंगे। चलिए अभी से हार्वेस्टिंग की प्लानिंग नहीं करते हैं, अभी खाली सीड्स की प्लानिंग करते हैं। नेक्स्ट जिस प्लांट की या जिस हर्ब की मैं बात करने वाली हूँ वो है कोरिएंडर या धनिया। देखिए वैसे तो हम लोगों को धनिया फ्री में मिल जाता है, सब्जी वाले भैया से कहो भैया थोड़ा सा धनिया फ्री दे दो, मिल जाता है। लेकिन जो धनिया आपके खुद के गार्डन में ग्रो होता है उसकी महक ही अलग है। बेस्ट क्वालिटी सीड्स लेंगे ना तो वो धनिया जो उग रहा है ना उसकी क्वालिटी भी बेस्ट ही होगी और वो बहुत जल्दी ग्रो करेंगे। घर वाले धनिया से ना इतना ईजिली इतना जल्दी ग्रो नहीं होता, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बाकी आपके अपने व्यूज़ हैं। दूसरा जो आपका तरीका है इस कोरिएंडर के सीड्स को ग्रो करने का वो ऐसा होना चाहिए कि पहले आपको उन्हें टू पार्ट्स में स्प्लिट करना है। धनिया के जो पूरे दाने होते हैं ना उनको टू पार्ट्स में स्प्लिट कर लीजिए, उसके बाद उसको पानी में सोक करके छोड़ दीजिए। जैसे कभी आपने राजमा या दालें हम भिगोते हैं ना तो जो खोखली दालें होती हैं वो ऊपर आ जाती है, ऐसे ही अगर आप धनिया की इन सीड्स को भिगो के रखते हैं ना रात भर तो जो खोखले बीज होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं और जो बेस्ट क्वालिटी तो वो नीचे रह जाते हैं। ऊपर के बीज हटा दीजिए और नीचे वाले बीज को ग्रो कर ली। अगर आप अपने कोरिएंडर के सीड्स को जुलाई में उगाते हैं तो सर्दियां आते आते या 2-3 महीनों के अंदर ऐसा टाइम आएगा कि आप 2-3 बार उसमें से हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। आप ऊपर ऊपर से उन्हें ट्रिम कीजिए, ऊपर ऊपर से उन्हें कट कीजिए, नीचे उनकी जड़ों को छोड़ दीजिए, वो उन जड़ों से दोबारा ग्रो कर जाते हैं। वैसे एक बार मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, सब्जी वाले भैया से धनिया लिया, ऊपर के धनिया काट के उसकी चटनी बना ली, नीचे वाले धनिया को ग्रो कर दिया और वो वाकई ग्रो किया। आप ये भी ट्राई कर सकते हैं, बट सीड से ग्रो करेंगे तो थोड़ा चांसेस ज़्यादा है, दोनों ट्राई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वेजिटेबल या जो हर्ब, फिर से मैं कहूँगी हर्ब हम उगाने वाले हैं वो है मिंट या पुदीना। पुदीने को भी आप सीड से ग्रो कर सकते हैं और वैसे आप मार्केट से पुदीना लाइए, उसकी भी स्टेम को आप पानी में डाल के छोड़ दीजिए, उसमें रूट्स आ जाती हैं, वो भी आप ग्रो कर सकते हैं। दोनों ही तरीक़ों से आप धनिया और जो ये पुदीना है इन दोनों को ग्रो करने का तरीका सेम है और दोनों में एक चीज़ और सेम है, दोनों की जो पॉट साइज़ रिक्वायरमेंट है ना वो थोड़ी वाइड है। आपको बहुत गहरा पॉट नहीं लेना है, ऐसा नहीं है कि आपके पॉट की जो डेप्थ है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन आपका पॉट वाइड होना चाहिए क्योंकि ये एक दो पीस से तो आपका काम नहीं चलेगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपने एक धनिया उगाया और उसका आपका काम चल गया। तो जितना बड़ा पॉट आप लेंगे उतना ज़्यादा धनिया आपके पास आएगा और उतना ज़्यादा धनिया आप हार्वेस्ट कर पाएंगे, उतना ज़्यादा पुदीना आप हार्वेस्ट कर पाएंगे। तो दोनों ही केसेस में आपका पॉट साइज थोड़ा वाइड होना चाहिए। जो हर्ब्स होते हैं ना उनके लिए मोस्टली आपको वाइड ही पॉट चाहिए। बात हर्ब की ही कर रहे हैं तो तीसरी हर्ब जो हम बात करने वाले वो है स्पिनेच या पालक। पालक को उगाना बहुत इजी है, मैंने पालक उगाई है और खाई है और मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि जो घर की उगाई पालक का स्वाद है वो मार्केट वाली पालक में बिल्कुल नहीं है। पालक को उगाने के लिए भी आपके पास सीड्स जुलाई में ही आपको लाने हैं, उन्हें जुलाई में ही ग्रो करना है और अगले 2-3 महीनों के अंदर आप खुद देखेंगे कि आप 2-3 बार उस पालक को हार्वेस्ट कर लेंगे और तभी 4th बार उसमें गुंजाइश होगी। लास्ट में ऐसा होता है कि उनमें से सीड्स आने शुरू हो जाते हैं। अगर आपने उन सीड्स को ग्रो करने दिया तो धीरे धीरे आपकी जो वो प्लांट्स की ग्रोथ है वो रुक जाती है। आगे जिस वेजिटेबल की बात मैं कर रही हूँ वो है स्प्रिंग अनियन या अनियन। देखिए स्प्रिंग अनियन आजकल चाइनीज डिशेज में बहुत फेमस है, बस ऊपर से कट कीजिए, आप चाहे हनी चिली पटेटो खा रहे हो, आप चाहे चिली पनीर खा रहे हो या आप मंचूरियन खा रहे हो, बस आप कोई भी चाइनीज डिशेज खाए ना उसमें स्प्रिंग अनियन होता ही है मोस्टली में। फिर मुझे कोई कमेंट करने आ जाएगा अरे हमारी वाली चाइनीज डिश में तो नहीं था, अरे बाबा होगा चेक कीजिए। ठीक है, स्प्रिंग अनियन को उगाना बहुत आसान है। मेरे पास सीड्स हैं पर मैंने सीड से ना उगा कर अनियन से ग्रो किया था। मैंने डायरेक्ट अनियन को लिया, उसको मिट्टी में दबा दिया और थर्ड टाइम में उसमें स्प्रिंग्स मतलब जो ग्रीन ग्रीन होती है ना वो आने शुरू हो गया, जो उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा है। अभी ना ये लिस्ट है बहुत लंबी है, अगर आप वेजिटेबल्स की बात करें तो बहुत लंबी लिस्ट है जो आप अभी ग्रो कर सकते हैं। मैंने अभी जितनी भी वेजिटेबल्स ग्रो करनी आपको बताई हैं ये वो सब वेजिटेबल्स हैं जो आप अपने घर के किचन गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, ये वो सब वेजिटेबल्स हैं जो मैंने पर्सनली ग्रो की हैं। इसके अलावा आप घिया, तोरी, टिंडे, कद्दू, बहुत सारी वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं,
बट उनके लिए आपको एक बहुत बड़े साइज़ के पॉट चाहिए, उनके लिए आपको एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ आप उनकी बेल को, क्योंकि ये बेल वाले प्लांट्स हैं ना, आप इनकी बेल को सपोर्ट दे सकें। एक प्रॉपर सपोर्ट के बाद ही ये जो बेल है ये ग्रो कर पाएंगी, इनमें भी फ्लारिंग होगी, फिर उनमें फ्रूटिंग होगी, उन सब के लिए आपको ध्यान रखना होगा। ये बहुत ईजी टू मेनटेन प्लांट्स हैं, बट बहुत ज़्यादा सपोर्ट्स की ज़रूरत है। अगर आपके पास ऐसा स्पेस है जहाँ आप रस्सियाँ बांध सकते हैं या कोई फ्रेम ऐसा हो जिस पे आप इन वेन्स को, दिखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं लेकिन आपको इनको सपोर्ट देना हो। मैंने कोशिश करी है कि अपनी तरफ से आपको वो पॉसिबल इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ जो आपके किचन गार्डन को शुरू करने में या उसकी ग्रोथ में आपके काम आने वाली है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आई है या आपके इन फ्यूचर में काम आने वाली है, आपको ऐसा लगता है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उनके किचन गार्डन में आप भी हेल्प कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइएगा। इन फ्यूचर में भी आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ मिलने वाली हैं जो आपके गार्डन की ग्रोथ में काम आने वाली है। चलिए फिर मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग। अपना किचन गार्डन सेट कर लीजिए।